Maiden. Thank you.
मान लो जो सुनने लगा जो बाबा ईश्वर जिससे लगा से बस को माफ करते हैं तू भी हमारे दोस्तों को माफ कर दे हमें आपसे माफ करना पड़ेगा पर प्राइवेट से सही अच्छा क्योंकि बाबा ईश्वर खुदा का सलाह ईश्वर से आते हैं आमीन मान लो नाम में विश्व सिंह का अनुग्रह का परमेश्वर करते हैं पवित्र आत्मा की सेवा में तरस करते हैं विशेष तौर पर इस सुंदर पल में जितने कोविड 19 से ग्रसित हैं हर एक जिंदगी के साथ उनके पारिवारिक जनों के साथ और इस संसार के हर एक आशावान और जरूरतमंद व्यक्ति के साथ और हम तमाम विश्वासी मंडली के साथ आपसे और हमेशा तक बना रहे आमीन। खुदावंद आप सबके साथ है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु के बड़े अनुग्रह के लिए। खुदावंद ने हम सबको अपनी इबादत का अवसर दिया। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम अमेजिंग ग्रेस। सच में यह समुदाय का दास पौलुस कहता है खुदावंद का अनुग्रह मेरे जीवन के लिए काफी है। हम भाइयों ने मिलकर भी एक छोटा सा ग्रुप बनाया है जिसका नाम अमेजिंग ग्रेस है। और मेरे को मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रेवरेंड यूसुफ दास है। मैं प्रभु की सेवकाई में और फिलहाल मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च मन्ना देवी पासवानी सेवा में हूँ। मेरे पास में भाई आशीष दयाल है, ये खुदावंद की सेवकाई में है, प्रभु की महिमा में है। इधर भाई शामल हैं जो गिटारिस्ट हैं, प्रभु इनके साथ रहें, इनके परिवार पर आपका खुदावंद का अनुग्रह बना रहे। भाई जोशुआ गिल है, प्रभु स्टूडेंट हैं, प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को देते हैं। प्रभु इनके इनके पारिवारिक जनों के साथ रह पा रहा है। रोहन बिलाल हैं जो दोनों भाइयों को बजाते हुए देख रहे थे, कैसे हो भाई को आपने गिटार बजाते हुए देखा। भाई रोहन बिलाल ये सिंगर भी है, प्रभु इन्हें इनके परिवार को बरकत दे दे। भाई आकाश दयाल है, ये जितना भी टेक्नोलॉजी है उसको संभालते हैं, साथ में सिंगर भी हैं। हम सब खुदा की महिमा करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस अमेजिंग ग्रेस बैंड को अपनी प्रार्थनाओं में रखें और निरंतर इस बात की प्रार्थना रखें कि हमारी जिंदगी हमें उठाने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी हमारी योग्यताओं को ऊपर उठाने के लिए नहीं, परंतु हमारी जिंदगी खुदा की महिमा के लिए और उसके सुसमाचार प्रचार को इस जगत में फैलाने के लिए हो। जैसा कि खुदा ने अपने चेलों से कहा मत्ती 28:20 में कि जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है तुम औरों को सिखाओ, तब मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। हम सभी अंत के समय में खुदावत की इबादत के रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहे। आइए हमारा आज पहला वीडियो है। आने वाले समय में समय दर समय हम सब मिलकर और आपके साथ मिलकर आपके परिवार के साथ मिलकर खुदावत को महिमा देते रहेंगे। प्रभु आप सबके साथ रहे, आप सबको सुरक्षित रखें, फलवंत रखें और आशीष रखें।